गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप पहले समराइज तरीके से सुन लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, उस टाइम पे जितने भी लोग थे सारे लोग एलिमेंट्स की खोज किए, नियर अबाउट 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। डिस्कवरिंग के टाइम पे 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम्स क्या थी? भाई जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स को अगर आप खोज रहे हो तो उसे स्टडी करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक एलिमेंट्स के बारे में जानना इतना मुश्किल है, तो 115 के बारे में जानकारी रखना भी क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मेथड निकाला जाए जिससे कि इन सारे एलिमेंट्स को हम एक ऐसे पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर दें जिसे स्टडी करना क्या हो, काफ़ी आसान हो जाए। अच्छा, पर्टिकुलर मैनर का मतलब क्या? पर्टिकुलर मैनर का मतलब ये कि भाई किसी की प्रॉपर्टीज़ अगर मैच कर रही हो तो उसको हम एक साथ रख दें, किसी की कोई प्रॉपर्टी मैच कर रही हो तो हम उसको एक साथ रख दें, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने के बारे में सोचा गया। अब अरेंज करने के सीक्वेंस में पहले आए थे आपके डॉबिनियर ट्राइड्स। वैसे तो डॉबिनियर इनका नाम है साइंटिस्ट का, लेकिन ये ट्राइड्स आगे जो लगाया ये इनके मेथड का नाम। अब ट्राइड्स का मतलब, ट्राइड्स का मतलब तीन को लेकर के। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया, तीन तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया लिथियम, ठीक है, मैंने लिख दिया सोडियम, अब मैंने लिख दिया क्या पोटेशियम। और आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक मास होता है लिथियम का वो होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का होता है 39। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो भाई पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको याद करने की मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि नियर अबाउट क्या होता है, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, ये होता है 23 एटॉमिक मास, तो नियर अबाउट एटॉमिक नंबर का जस्ट ट्वाइस से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर, ट्वाइस से ऊपर ही होगा, ठीक। तो ये आपका डॉबिनियर ट्राइड्स ने क्या कहा कि आप तीन एलिमेंट को ले लीजिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जब ग्रुप बनाया तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर उन्होंने लिया है 7, पोटेशियम का लिया है 39, तो ज़रा लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 + 39 कितना आएगा, 46। अब 46 का जब आप जस्ट हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 23, और ये है किसका, सोडियम, ठीक है। मतलब ये हुआ, इनका कहने का सेंस ये था कि अगर आप एलिमेंट्स को, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, भाई आप पीरियोडिक टेबल आपने अपने घर के दीवार पे लगाया होगा, जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के नीचे लिखा होगा H, ठीक है ना, और लिथियम के नीचे लिखा होगा 3, तो ये उसके एटॉमिक नंबर हैं। जो आप टेबल लगाए हो वो मॉडर्न है, उसमें एटॉमिक मास के बारे में कोने में लिखा होगा, वो मॉडर्न टेबल नहीं, उसके पहले की बात है, ये मॉडर्न टेबल अभी आया ही नहीं है, ये शुरुआत की है डॉबिनियर ट्राइड्स। इन्होंने ये कहा कि आप एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, एटॉमिक मास के, हम एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, वो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स के मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो बीच के एलिमेंट का मास निकल जाएगा। ये डॉबिनियर ट्राइड्स का स्टेटमेंट था। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट हर जगह फॉलो होना चाहिए, ये स्टेटमेंट हर जगह फॉलो होना चाहिए। हम कोई भी तीन एलिमेंट लें सीक्वेंस वाइज, हम कोई भी तीन एलिमेंट अगर सीक्वेंस वाइज लें एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, और हम उसको पहले वाले को और थर्ड वाले को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो बीच वाला आना चाहिए। अब हम एक उसी के एग्जांपल में हम एक एलिमेंट्स लेते हैं, हम लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। जरा 40 और 137 को ऐड करिए कितना आएगा, 177, और 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 88.5। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गया ना। और जब ये डिफरेंस आ गया, ऐसे ही आप एक और ले लीजिए, क्लोरीन कितना होता है 35.5। आपने ले लिया BR, ये होता है आपका 80। आपने ले लिया आयोडीन, ये होता है आपका 127। आप इन दोनों को प्लस करिए तो प्लस करने पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट आपका कितना आएगा, 127 प्लस 35/5/2। आप डिवाइड करोगे तो 81.2 समथिंग आएगा। तो क्या डोमिनेंट्स का जो ट्राइड रूल है, तीन एलिमेंट्स को एक साथ लेके चलने का रूल है, क्या फॉलो कर रहा है? केवल एक ही जगह फॉलो किया ना, बाकी जगह तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही इनकी लिमिटेशंस हो गई, ये क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। हमेशा याद रखिएगा किसी भी साइंटिस्ट के थियोरी की जब लिमिटेशंस आ जाती हैं, इसका मतलब वो साइंटिस्ट वहाँ पे क्या कर गया है, फेल कर गया। तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ये थी कि ये इन्होंने जो तीन तीन का ग्रुप बनाया, जो तीन तीन का ग्रुप बनाया वो सारे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उस रूल पे, सारे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इनकी शुरुआत अच्छी थी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहे। दूसरे हैं आपके न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेवियस, इनका थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, जैसे इनको गाना होने के बहुत शौक़ था, तो जैसे होता ना सारे गामा पादानी सा, इस तरह से, तो इनको संगीत का शौक़ बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्टेव इसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब कैसे कन्वर्ट किया, देखिए आपको बताते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटियम, मैग्नीज, आयरन। अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने ये कहा कि अगर आप सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, एट्थ एलिमेंट कौन सा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो एट्थ नंबर की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। भाई पहला एलिमेंट ये है, पहले एलिमेंट से जब आप एट्थ एलिमेंट चलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, थोड़ी सी मैच करेगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी। तो ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। लेकिन इनकी भी थ्योरी बहुत समय तक नहीं चली। और कैल्शियम के बाद जब ये 20 पे पहुँचे ना, कैल्शियम के बाद इनका प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का जो मेज़र, मतलब मेज़र करने का तरीका था कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा मैच करेगी, वो क्या हो गई, मिसमैच हो गई। बेचारे फेल हो गए, उन्होंने भी, उनकी भी थ्योरी क्या हो गई, एक्सप्लेन नहीं हो पाई। एक ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने ये कहा कि अब एलिमेंट्स ढूंढे ही नहीं जाएंगे, 115 से ऊपर नहीं जाएगा। सॉरी, उस टाइम पे 115 नहीं था, उस टाइम पे आई थिंक 56 एलिमेंट्स थे। उन्होंने ये कहा कि 56 एलिमेंट है और 56 एलिमेंट को ऐसे ही अरेंज कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो मोर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 56 ओनली, एंड वी हैड टू अरेंज दीज एलिमेंट्स इन अ ऑक्टेवियस फॉर्म 1 to 8 नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इज जस्ट रिपीटिशन आफ्टर द एट्थ एलिमेंट, बट दिस इज नॉट अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। कैल्शियम के बाद चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ गई, और लिमिटेशंस आने से क्या हो गया, इनकी भी थ्योरी मानी नहीं गई। अभी आप किस पे चल रहे हो, एटॉमिक मास पे चल रहे हो।
अभी ये सारे लोग एटॉमिक मास को लेके चल रहे हैं, एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप सबसे बड़े साइंटिस्ट आए द ग्रेट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, पहले आप इतना रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू क्लास।